वेलकम बैक टू अनदर डे। आज का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र शुरू हो गया सोक्चो के लिए। ये है कि मैं इनको बुद्धू लगाया है 2000 लेके, ठीक है यार। इसकी इतनी वीडियोस तस्वीरें बना ली हैं। अब दिल कर रहा है कि नाइट हो और थोड़ा टाइम बगैर फोन वेलकम बैक टू अनदर डे। सिगरेट बंद कर नहीं। लो जी, आज का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र शुरू हो गया फाजू के लिए, ठीक है। फाजू सॉरी, आई एम सो सॉरी सोक्चो के लिए। फाजू से ये सोक्चो जो है ये तकरीबन 206 किलोमीटर है, जो हमें भी शो करवा रहे हैं, ठीक है। और होपफुली कि हम जो है ना वो 3 घंटे में पहुँच जाएंगे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। बाकी आज आपको सोक्चो थोड़ा सा दिखाते हैं। जहाँ ब्रज की इंतहा देखें कि पूरे 10 किलोमीटर तक हमें ऐसी ट्रैफिक मिलेगी, क्योंकि मोस्टली बंदों को ना छुट्टियाँ हुई हैं समर की ना, इसी दिनों में होती हैं। अब सारे जो ना वो बीच की तरफ रुख करें। ये तो अपनी साथ कश्ती भी लेके जा रहे है बड़े देर से, मतलब 2 घंटे का जो ट्रैवल है ना वो हमारा अभी तक निकले और 3 घंटे 44 मिनट अभी भी रहते हैं और 11:25 हो रहे हैं। ओके यार, बहुत सफ़र पड़ा है, अभी थक गए हैं यकीन करें गाड़ी चला चला के। गाड़ी इतना रश है मतलब कि पता चलता है कि आप सारा कोरिया ही एक जगह पे निकलना शुरू हो गया। या बुसान में हंदे बीच खंगाली बीच में रश होता है, या ये सोक्चो बीच में ये रश होता है। क्यामो ताम आ गया है। और आप ये देखो रश की इंतहा देखो कि आवाम कितनी जाने वाली है। और की बनेगा साडा चेक करो कि इतना छोटा सा पप्पी है यार। कैसा अभी चलाएगा? हाँ क्या लेके आए? पानी, बिस्किट, जूस। ऐसा लगता है पता नहीं हमको, पता नहीं कोई कल्स के निकले हुए हैं। अच्छा, ये इनका मैप बड़ा ज़बरदस्त होता है, आपको भी बता रहा है कि ये जो है ना 10 किलोमीटर में पार्किंग है और ऊपर जो है ना वो क्यामो ताम 20 किलोमीटर में आप खाना छाना खा सकते हो और 45 किलोमीटर में ICR, मतलब अगर आपने नीचे उतरना है तो अभी 55 किलोमीटर में हमने यूँ होके फिर यूँ होना है। और अभी 75 किलोमीटर रहता है और 1 घंटा 14 मिनट का रास्ता है। मतलब रश की वजह से ना बहुत ज़्यादा हमें फौरी हो रही है। अब ये इसकी गाड़ी ख़राब हो गई है और मेन रोड पे बेचारी ने खड़ी की हुई है। साइड पे क्या लगाए आप? और ये देखो धूप में खड़ी हुई है, हेल्प करें इसकी यार। आफ्टर 4 आवर्स के बाद पहली ब्रेक हमने अभी मारी है। ये देखें आप क्यामो ताम, कितना प्यारा खूबसूरत क्यामो ताम है। इसको क्या नाम देना क्यामो ताम का हमने? बेरा इंटरचेंज। चलिए पहुंच चुके हैं। डिग्गी की आप हालत देखें आप हमारी, ये चेक करो कितने गंदे हैं हम। गाड़ी में चेंज हो रहा है सरकार, गाड़ी में। हाँ, आइलैंड आ गया है, उनकी करिए फाइनली। धूप का नज़ारा कीजिए आप। ये सोक्चो बीच है, आगे हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, लेकिन मुझे कोई ख़ास नहीं लग रहा कोई। सोक्चो बीच में हमें कौन मिला है? मेरा दोस्त, पुरानी फैक्ट्री में मेरे साथ हम बैठे काम करते थे। सलाम अलैकुम। आप भाई कब आए हैं आप? मैं भाई रात को आया था। आपको पता है ये सबसे फिट रह गए हैं, ये माशाल्लाह आप सियोल के किंग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये रात को 11 बजे पता है आपको यहाँ पर पहुँच गए थे, इनको कोई रश नहीं मिला। नाइट स्टे किया? हेलो, अकेले? नो, 4 पीपल। यू कैन एंजॉय जेट स्की एज वेल। मैम डोंट नो के डबल सवारी लगी है। यहाँ पर आप जेटस्की के मज़े ले सकते हैं, नहा सकते हैं, आप झूला ले सकते हैं। उसके बाद ये इसको क्या बोलते हैं, मैं आप भूल गया उसको क्या बोलते हैं आप, ठीक है। लेकिन कभी भी गर्मी शाम के टाइम आओ, अगर आपने स्विमिंग करनी है तो आप स्विमिंग करके आ सकते हो। लेकिन यही कुछ है बस, ये सोक्चो, दिस इज़ द सोक्चो बीच। आई सी दिस न्यूज़। ओके, मैं आई डोंट रिकमेंड कि आप यहाँ पर आओ। जो लोग स्लीपर पहन के आए वो बहुत फ़ायदे में हैं, जो लोग शूज़ पहन के आए हैं वो तो बस थोड़ी लाइन लग गए हैं। ये यहाँ से आप ये बैलून वगैरह ले सकते हो, ठीक है। टिकट है 10,000 का, डिपॉजिट ओनली कैश। यहाँ पर तो आपको यही धूप मिलेगी, बस नहाओ धो। अभी जा रहे हैं सन क्रूज़, पहले कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद सन क्रूज़ यॉट है वो यहाँ से 65 किलोमीटर है। We are going to back. I need news but I don't know. I see. क्योंकि सोक्चो में जो है ना वो सुख नहीं है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। एक तो मतलब कोरिया का ना सेकंड लार्जेस्ट बीच आता है, पहले नंबर पे हंदे बीच है। तो यहाँ से आगे आपका नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है। सो डोंट कम टू सोक्चो बीच, दिस इज़ टोटली टाइम वेस्ट। KFC पार्किंग का बड़ा मसला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। नो स्मोकिंग, ओके नो स्मोकिंग। देख सिगरेट पीते हैं तो। सुबह के नाश्ते के बाद अभी मुझे खाने लगे हैं हम जी। ये हम वो आपको नज़र आ रहा होगा क्रूज़, सन क्रूज़ यार्ड इसका नाम है। बेसिकली ये होटल है यार्ड की तरह ना, क्रूज़ यार्ड बनाया उन्होंने पूरा। तो आगे आपको बताते हैं क्या निज़ामात है ज़िंदगी है। फाइनली सारा कुछ चुक लिया, चुकना की है, मोबाइल चुक लिया। पहुंच गए हैं क्रूज़ यार्ड, क्रूज़ सन यार्ड। ये बहुत लंबा सफ़र है यार ये बीच देखने के लिए। अगर आप वेले हैं कोरिया में तो आप आ जाओ, वरना फिर भी आ जाओ, अच्छी जगह है। अच्छा छोटा सा बाज़ार है, गंगयंग, गंगयंग सिटी का नाम है जहाँ पर ये सन क्रूज़ है जी, सन क्रूज़ यार्ड। इसकी वजह से ये मतलब कि ये मशहूर है पूरी जगह जो है ना, ये मशहूर है सन क्रूज़ यार्ड इसकी वजह से। ये क्रूज़ ये बेसिकली रेस्टोरेंट है, होटल हैं इसमें। ये देखो जलपरी बनी हुई। मौसम जो है ना, अब जो जाके ना मौसम फिट हुआ है। दिन को इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। चलते हैं इसके अंदर, क्रूज़ के अंदर। ये क्रूज़ टाइप एक बनाया हुआ है, छोटे छोटे क्रूज़ बने हुए हैं जिसमें आप कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं। दिन के थके हुए हैं तो हमने कहा ज़रा चलो कॉफ़ी पी लें। यार ये व्यू छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। कॉफ़ी के लिए पहले हमने तस्वीरें वगैरह बनाई हैं, कभी ऊपर चलते हैं कॉफ़ी बताते हैं ज़रा। हाँ ओए गर्मी है बड़ी यार, ओए 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 पता लगता है जहाज़ में हम जा रहे हैं। ओए 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 और उत्ते चले जाओ, तुम उत्ते ही जाना। कॉफी खत्म हो गई है, चल चल अच्छा कॉफ़ी तो ये इनके पास थे जी था। इन्होंने ये क्रूज़ टाइप बनाया हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही ये जलपरी क्या कर रही है, ये क्या कर रही है। अच्छा ये एक रास्ता बना हुआ है, हमने वो उस जगह हमने जाना है। और मैं आपको बताना भूल गया, इसमें ना लिफ्ट लगी हुई है बेहतरीन किस्म की। फिर वहाँ से उधर जाते हैं उस यार्ड पे। फिर वो जो आपको शीशे वाले होटल नज़र आ रहे हैं, ये खिड़कियाँ हैं, मतलब इससे व्यू बड़ा ज़बरदस्त आता है। ये थोड़े महंगे होते हैं। अच्छा अब जाना हमने वो उस एरिए में। ये मैंने पहली दफ़ा देखा कि इसमें को ऐसे ही लगाया हुई है ना, क्या सेटर ही लगाया। यहाँ पर जाने 2,000 कम सही है कि मैंने इनको बुद्धू लगाया है 2,000 लेके, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन यार व्यू देखो यार, ना करो आप भाई। 2,000 टिकट हमने ले ली, ये अपना हो गया अब हमारा। मैं खोखर हाँ, ये अब हमारी, ये अपनी हमारी चीज होगी बस खत्म। नीचे डूब जा तू, मर जा थोड़ी देर के लिए। इसका मतलब यहाँ पे नीचे भी कुछ होगा यार। इसकी इतनी वीडियोस तस्वीरें बना ली हैं, अब दिल कर रहा है कि नाइट हो और थोड़ा टाइम बगैर फ़ोन के स्पेंड किया जाए। ये एक बिल्कुल कोरिया का आखिरी सिरा है, आप समझ लो। यहाँ पर तो बहुत मुश्किल है बंदा आए, हम पागल ही जो आए। ये उसकी बैक साइड से आए, वहाँ से अंदर नहीं आने दे रहे थे। वो कह रहे थे कि अगर आपने देखना है तो आप फिर गाड़ी लेके आए, ऊपर आए हैं तो यहाँ से भी जाएंगे अंदर। देखें जी, रात को नहाते हुए क्रूज यार्ड पे ये चीज़ देखें। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है यार, ज़िंदगी के मज़े आ गए हैं।